हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद भावना। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ पार्ट टू अपना मीशो मेकअप पार्ट टू शेयर कर रही हूँ। मैंने मंगवाया फेस पाउडर, ठीक है, फेस पाउडर भी मंगाया है मैंने, फुल मेकअप मंगवाया है। इससे आप फुल मेकअप कर सकते हो अपना, आज मैंने किया भी है। ठीक है, फेस पाउडर की बात करूँ तो गाइस, पता है मैंने कितने का फेस पाउडर मंगाया? गैस कितने का मंगाया होगा? अंडर 29 रुपीज़ इसका प्राइस, मुझे याद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था। ये है फेयरबी है, क्या है फेयरबी ब्रांड का कॉम्पैक्ट पाउडर। ठीक है, ये ऐसे कार्डबोर्ड में आया था और सिर्फ 29 रुपीज़ का है, बट उसमें वो आपको एक नहीं देंगे। अगर आप 29 का बाय करोगे तो आपको दो लेने पड़ेंगे, तो मैंने 60 रुपीज़ में ये दोनों बाय किए हैं। 58 रुपीज़ में ये दोनों फेस पाउडर मुझे रिसीव हुए हैं, देख सकते हो। और गाइस, इस फेस पाउडर की बात करूँ तो ठीक ठाक लगा मुझे, नॉट बैड। अंदर 29 रुपीज़ में फेस पाउडर भी आता है मुझे तो आज पर। इसकी ना फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, सीरियसली जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ओपन करके देखा था ना, इसकी बहुत ही अच्छी प्यारी वाली फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। और इस तरह का कलर है इसका, सारे ही स्किन टोन पर चल जाएगा। और गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको, थोड़ा सा लगा के ब्रश से लेके लगा के दिखाती हूँ। देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, अच्छा था इसका जो किया था, अच्छा लगा मुझे फेस पाउडर, नॉट बैड। ठीक है, के अकॉर्डिंग ये कॉम्पैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अंडर 29 रुपीज़ में आपको इतना अच्छा फेस पाउडर मिल रहा है, क्या ही मिलता है 29 रुपीज़ में, है ना, अच्छा है। और इसके साथ मिरर भी है, देख सकते हो मिरर भी रिसीव हुआ है। टिन लुक्स का मश्कारा प्लस आईलाइनर। इसका मैंने मश्कारा यूज़ किया था, मश्कारा देख सकते हो अच्छा है इसका मश्कारा, तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसका जो प्राइस है गाइज, इस पर मेंशन है क्या, देखती हूँ एक सेकेंड, स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। ये भी अफोर्डेबल ही था और 2-in-1 प्रोडक्ट है गाइज, इसमें मश्कारा भी है और आईलाइनर भी है। ठीक है, और मश्कारा तो मैंने आज यूज़ किया तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपको 2-in-1, एक साइड इसका आईलाइनर है, एक साइड इसका मश्कारा है। आईलाइनर मैं आपको हैंड स्वच दिखा देती हूँ, ब्लैक कलर है। ठीक है, अभी देखते हैं स्मच होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा ड्राई हो जाए। बात करूँ तो मैं, मश्कारा तो अच्छा है इसका, मैंने यूज़ किया था, अच्छे से आपकी लैशेस को कोट कर देगा, बहुत ही प्यारा लुक प्रोवाइड करेगा आपको, अच्छा है मश्कारा, मुझे अच्छा लगा इसका गाइस। और इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतना अच्छा मश्कारा मिल रहा है, तो ये भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी, ये भी आप ले सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर हमारा ये ड्राई हो चुका है, स्मच प्रूफ है, देख सकते हो गाइस, नहीं फैल रहा। ठीक है, वाटर प्रूफ है या नहीं मैं भी चेक करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरा टोनर पड़ा है तो मैं इस पे डाल के देखती हूँ, नहीं गाइस वाटर प्रूफ नहीं है ये, इस पे लिखा है वाटर प्रूफ पर ये है नहीं। चलो कोई नहीं, वाटर प्रूफ नहीं भी है पर फिर भी अच्छा है, और इसका मश्कारा भी अच्छा है। ये मैं आपको रेकमेंड करूँगी, आप ले सकते हो। प्राइस कोड वगैरह सब कुछ स्क्रीन पर आपको मेंशन कर दूंगी, तो मेक श्योर आप चेक कर सकते हैं। अच्छा है, नेक्स्ट प्रोडक्ट भी मेरा गाइस, एक और आईलाइनर मंगाया, ये मुझे अंडर 30 रुपीज़ का मिला है, ये भी मैंने मंगाया है पेन आईलाइनर। 30 या 35 रुपीज़ का ये आईलाइनर मुझे मिला है, ये ना पेन आईलाइनर है, काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट किसी भी साइट पे आपको मिल जाएगा, पर मैंने मीशो से बाय किया है, स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छा है गाइस, देख सकते हो, इसको मैंने यूज़ नहीं किया। मेरे पास ऐसा ना एक और आईलाइनर है, वो मैं यहीं लोकल स्टोर से ही लाई थी, सेम एज इट इज़ ऐसा ही है, तो ये मैंने मीशो से मंगवाया है, अच्छा है। जेड ब्लैक कलर, थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर हम इसको देखते हैं स्मच प्रूफ है कि नहीं। वाटर प्रूफ तो ऑब्वियसली ये होगा ही नहीं, अंडर 30 रुपीज़ में तो गाइस क्या ही वाटर प्रूफ आएगा, तो इस पर लिखा भी नहीं है कहीं वाटर प्रूफ। अरे लिखा है गाइस, वाटर प्रूफ लिखा है, देख सकते हो। चलो इसे भी चेक कर लेंगे, अभी थोड़ा सा लेट इट ड्राई,
ये थोड़ा हो गया गाइस, स्मज प्रूफ है, देख सकते हो खराब नहीं हो रहा मेरा आईलाइनर हाथ लगाने से। उसके बाद गाइस हम देखते हैं ये वाटर प्रूफ है या नहीं। और गाइस 30 रुपीज में अगर वाटर प्रूफ नहीं भी है तो क्या ही है ना। अच्छा है, लाइनर की पिगमेंटेशन अच्छी है, जेड ब्लैक कलर मिल रहा है आपको, ठीक है। अब वाटर प्रूफ है नहीं ये भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देती हूँ। ये मैंने इस पे अपना टोनर डाल दिया है और अब मैं इसे स्मच कर रही हूँ। बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है, इस पे लिखा है वाटर प्रूफ है पर ये नहीं है। मुझे पता ही था 30 रुपीज का आई लाइनर क्या ही वाटर प्रूफ निकलेगा, है ना। 5-in-1 लिपस्टिक। और दूसरी मैंने ये की है हिलेरी होडा की ये न्यूड कलर शेड की लिपस्टिक। इसे मैंने अभी तक लगाया नहीं है। मैं आपको इसका शॉट वगैरह में दे दूंगी, पर मैं आपको इसका हैंड स्वॉच दिखा देती हूँ कैसा कलर है इसका। अच्छा लग रहा है गाइज, नॉट बैड, इसका बहुत ही प्यारा शेड लग रहा है, पिगमेंटेशन भी अच्छी है शेड की। बाकी मैं आपको शॉर्ट में दिखा दूंगी ये मैं लिप्स पर लगाकर कैसा लग रहा है। अच्छा लगा ये शेड, ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी और अच्छी है गाइस। बुलेट लिपस्टिक है न्यूड कलर की और इसका शेड है 02 ड्रीमर। इसमें और भी शेड अवेलेबल थे बट मुझे ये वाला शेड अच्छा लग रहा था। देख सकते हो इस तरीके का न्यूड कलर का के लिए कलर को यहाँ से इसको डालना पड़ता है और अलग कलर आपको यहाँ पे रिसीव होगा। कलर की पिगमेंटेशन की बात करूँ तो अच्छे है कलर, ये भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी, अफोर्डेबल है। और एक ही लिपस्टिक में 5-5 शेड, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो आपको एक लिपस्टिक का ही ट्रैवल कर रहे हो आपको 5-5 लिपस्टिक कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही लिपस्टिक में 5-5 लिपस्टिक आप इजी शो से मेकअप का ब्रश सेट गाइस देख सकते हो आप। मैंने पर अभी इसको यूज़ नहीं किया, इस तरह की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है। हुडा ब्यूटी के मेकअप ब्रशेज है, 8 पीसेज है इसमें, ठीक है, 8 मेकअप ब्रशेज है और एक ब्यूटी ब्लेंडर भी है। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कैसा है। अरे ऐसे वाइट कलर का ब्यूटी ब्लेंडर है, सॉफ्ट लग रहा है। का एक स्पूली मिलेगा, ये आपका फाउंडेशन ब्रश हो गया, ये आपका ब्लश हो गया या कंसीलर ब्रश हो गया और आईज ब्रश में गाइस तीनों ही स्लांटिंग से है, कोई ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आपको शेप अलग अलग है बट है तीनों एक ही जैसे ब्रश है तीनों आईज ब्रश। क्वालिटी की बात करूँ तो नॉट बैड, ठीक ही है क्वालिटी तो ठीक है, बट गाइस आईज मेकअप के लिए तो ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए होता है, वो तो एक भी नहीं है इसमें। पर कोई बिगनर्स वगैरह हो तो वो तो यूज़ कर सकते हैं गाइस, देख सकते हो इस तरह के तीन ये ब्रशेस हैं। उसके बाद गाइस मुझे ये वाला ब्रश रिसीव हुआ है, इससे सॉफ्ट है, इसके विस्सिल जो है गाइस विस्सिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ब्रश की क्वालिटी तो अच्छी है, ब्लेंड करेगा कि नहीं मेरा ना मन ही नहीं कर रहा है इन्हें गंदा करने का। अच्छा है गाइस, क्वालिटी अच्छी है, ब्लेंडिंग भी अच्छे से कर देगा और बहुत ही हैंडी सा क्यूट सा पैकेजिंग गोल्डन एंड ब्लैक कलर का ब्रश है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये आप गाइस देख सकते हो इसकी जो शेप है, ये ऐसा ब्रश है, आप इससे ब्लश भी लगा सकते हो, फाउंडेशन भी ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। उसकी ब्रश इससे आप पाउडर ले सकते हो या फिर कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हो, इसका कुछ भी यूज़ कर सकते हो गाइस। नेक जो है इसमें जो इतना बड़ा ब्रश दिखा रखा है ये है फैन ब्रश, इससे आप अपना हाइलाइटर लगा सकते हो। तो इसकी जो क्वालिटी है गाइस अच्छी है, सॉफ्ट है इसके, वो ऐसा नहीं आपको हार्श लगेंगे। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, हाइलाइटर तो मेरे को लगाना बहुत पसंद है। ये है मेरा नायका का हाइलाइटर, तो मैं इससे लगा के देखती हूँ। अच्छा है गाइस, नॉट बैड हो रहा है, देख सकते हो हाइलाइटर प्लेस हो गया अपनी जगह पे। मैंने ये मेकअप ब्रश सेट मंगाया था मीशो से, अच्छी है इसकी क्वालिटी, नॉट बैड, पैकेजिंग भी अच्छी है और 300 या 350 का मैंने ये बाय किया था। मैं आपको प्राइस मेंशन कर दूंगी। ये स्पूली भी है, ब्रो को कॉम्ब आउट कर सकते हो, स्पूली की क्वालिटी सही है, अच्छा है इसको पूली। ब्रश की क्वालिटी तो अच्छी है गाइस, ले सकते हो आप अगर ये बाय करना चाहते हो। लास्ट नॉट द लीस्ट वो है, ये है बेला मोरा वाइट चॉकलेट वैक्स।
मैं घर पर ही वैक्स करती हूँ गाइस, तो मैंने ये मंगवाई, मुझे अच्छी लग रही थी। और ये कंपनी है ना बेलमोरा, तो इसे मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये मैंने मंगाई थी मीशो से, वाइट चॉकलेट हॉट वैक्स, ठीक है, हॉट वैक्स है गाइस। इसकी पैकेजिंग वगैरह सब कुछ लिखा है 2 ईयर्स प्रोडक्ट गाइस, मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया। अच्छा, दैट्स इट टुडे वीडियो, आज की जो वीडियो है यही मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स मीशो से बाय किए थे, तो मुझे पसंद आए, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आए, कुछ प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए, ठीक है। मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है क्या क्या मैंने आपको रेकमेंड किया है, बाकी मैं सारे प्रोडक्ट्स की जो डिटेल है आपको साथ के साथ स्क्रीन पर भी मैंशन कर दूँगी। और दूसरी चीज़, मैं आपको गाइस स्क्रीन इसके जितने भी कोड्स हैं ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो मेक श्योर आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं अगर आप इनमें से कुछ भी लेना ही इंटरेस्टेड है। और हाँ गाइस, ये जो मेकअप लुक है ना मैंने इन्हीं प्रोडक्ट को यूज़ करके आज का अचीव किया है, तो आप बताना मुझे ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा। और इसका जो डिटेल वीडियो है ये भी मैं आपको शेयर करूँगी, तो आप वो वाली वीडियो भी देखना ना भूले। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, लव यू, बाय।